हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमबीए, एमसीए और बीटेक के अलग अलग ब्रांचेज में कितने रैंक वालों को आईईटी लखनऊ पिछली बार मिला था यूपीसी की काउंसलिंग में, और उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि क्या इस बार यानी यूपीसी 2019 की काउंसलिंग में आपके चांसेस हैं मिलने के या नहीं हैं आईईटी लखनऊ। तो चलिए देख लेते हैं, हमने डेटा कंपाइल किया हुआ है जिसमें कि हमने 6 कैटेगरी का डेटा कंपाइल किया है और ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को हमने कंपाइल किया। यानी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक में क्या है कि हमने तीनों राउंड को मिला के किया, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, जहां तीनों में जो सबसे स्टार्ट हुआ है और जो सबसे लास्ट तक रैंक गई है, जिस रैंक से स्टार्ट हुआ सबसे लास्ट रैंक तक तीनों में गए, उसको हमने क्लोजिंग रैंक में रखा है। जिससे स्टार्ट हुआ जो मिनिमम रैंक था उसको ओपनिंग रैंक में रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ओपी नो होगा, OPGL है, BC नो है, BCGL है, SC नो है और SCGL है। ये कैटेगरीज़ क्या हैं, इनका क्या मतलब है, इसके लिए वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी कैटेगरीज़ की डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो जनरल रैंक के बेसिस पे हम बात करेंगे कि ओपनिंग रैंक क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे MBA। तो पहले देख लें कि MBA कोर्स के लिए IIT लखनऊ में कितनी सीट्स थी अलग अलग कैटेगरी में। तो OP नो के लिए 21 सीटें हैं, OPGL के लिए 6 सीटें हैं, BC नो के लिए 12, BCGL के लिए 3, SC नो के लिए 9 और SCGL के लिए 2 सीटें हैं। और भी अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, तो उसकी सीटों को हम यहां पे नहीं देख रहे, मेजर सीट्स आपको इन्हीं कैटेगरीज में मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि ओपी नो यहाँ की, जिसमें कि 21 सीटें हैं एमबीए की, उसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या थी तीनों राउंड में। तो तीनों राउंड में आप देखेंगे तो सबसे मिनिमम जो रैंक था, सबसे अच्छे रैंक आप कहेंगे, सबसे अच्छा रैंक था वो 3 था। यानी जिसकी जनरल रैंक 3 थी उसने एमबीए में एडमिशन लिया, और जिसकी रैंक 155 थी एमबीए कोर्स के लिए जनरल रैंक, उसने फाइनल एडमिशन हुआ उसका एमबीए कोर्स आईटी में। इसी तरह से ओपीजीएल कैटेगरी में ओपनिंग रैंक थी 1 और क्लोजिंग रैंक थी 77। यानी जिसकी जनरल रैंक 1 थी उसको ओपीजीएल कैटेगरी में कॉलेज मिला आईटी लखनऊ, और क्लोजिंग रैंक क्या थी 77। यानी कि जनरल कैटेगरी में 77 रैंक तक ओपीजीएल कैटेगरी में उनको सीट्स आईटी लखनऊ में मिल गई। इसी तरह से बीसी नो की कैटेगरी में आप देखेंगे तो ओपनिंग रैंक थी 149 और क्लोजिंग रैंक थी 702। यानी कि अगर आप बीसी नो की कैटेगरी में हैं और आप 149 से 702 के बीच में आते हैं, आपकी जनरल रैंक है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको एमबीए आईटी लखनऊ में मिल जाए। इसी तरह से BCGL का देखेंगे तो 111 से 297, यानी 111 से ओपनिंग हुई और 297 क्लोज हुआ BCGL कैटेगरी, यानी OBC कैटेगरी के गर्ल्स कोटा में। तो आपके अगर रैंक इनके बीच में है तो आपके पास चांसेस हैं एमबीए मिलने के। इसी तरह से SC नो में है तो 202 से स्टार्ट हुआ और 644 पे जाके क्लोज हुआ, यानी 202 रैंक वालों से स्टार्ट हुआ, 644 रैंक वालों तक मिला। बीच में जरूरी नहीं है कि आप सब सोच रहे होंगे कि सर सीटें 9 ही हैं, लेकिन 202 से 644 कैसे मिल सकता है। तो बीच में जो रैंक्स होते हैं वो अलग अलग, उसके रीज़न क्या हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो SCGL कैटेगरी का देखेंगे तो 116 से 522 स्टार्ट हुआ, यानी 116 ओपनिंग हुई और 522 तक वो क्लोजिंग रैंक हुई है SCGL में। इस तरह से MCA कोर्स में देखेंगे तो सीटें सबसे पहले देखें तो ओपी नो में 21 सीटें, OPGL में 6 हैं, BC नो में 11, BCGL में 3, SC नो में 9 और SCGL में 2 सीटें हैं। तो ओपी नो की जो ओपनिंग रैंक थी 3 और क्लोजिंग रैंक थी 67। इसी तरह से OPGL में आप देखेंगे तो ओपनिंग रैंक थी 21 और क्लोजिंग रैंक थी 55, और BC नो में 60 ओपनिंग रैंक है, 197 क्लोजिंग रैंक है। BCGL कैटेगरी में 66 ओपनिंग रैंक थी और 162 तक क्लोजिंग रैंक हुई है। SC नो के कैटेगरी में MCA के लिए 265 ओपनिंग रैंक थी और 1481 क्लोजिंग रैंक पहुंची है। इस तरह से SCGL कैटेगरी में MCA कोर्स के लिए 231 से ओपन हुआ और 728 तक जाके वो क्लोज हुआ है। ये अगर इस रैंक में आप आते हैं, इन रैंक के बीच में, इन कैटेगरी में, तो आपको MCA में IIT कॉलेज लखनऊ मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह से हम बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सीटें क्या है, ओपी नो में 21, OPGL 6, OBC नो 11, BCGL 3, SC नो 9 और SCGL 3 सीटें हैं। तो इसमें भी देख लेंगे ओपी नो का 180 से 2327, यानी 180 से 2327 क्लोजिंग रैंक गई है। वहीं OPGL में 1814 से 4193 रैंक तक हुई है। BC नो कैटेगरी में 2095 से 3366 रैंक तक IIT लखनऊ मिला है। इसी से BCGL कैटेगरी में 2757 से 6919 तक के बीच के बच्चों को IIT लखनऊ मिल गया। इसी से SC नो में 3788 से 9101 और SCGL में 11208 से 11526 तक के रैंक के बच्चों को IIT लखनऊ मिला है बीटेक सिविल
इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अगर आप भी इन रैंक के बीच में आते हैं तो आपके भी प्रोबेबिलिटी हैं, चांसेज हैं कि आपको IIT लखनऊ सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाए। इसी तरह से हम देख लें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे कैटेगरी वाइज तो सीटें हैं, OP नौ के लिए 21, OPGL के लिए 6, BC नौ के लिए 11, BCGL के लिए 3, SC नौ के लिए 9 और SCGL के लिए 3 है। तो रैंक देखेंगे तो OP नौ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपनिंग रैंक थी 379 और क्लोजिंग रैंक थी 1689। इस तरह से OPGL है 1218 से 2201 तक गई है। बेसिनो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 1513 से रैंक स्टार्ट हुई और 2741 तक गई। इसी तरह से BCGL में 2143 से 3854 तक गई। SCNO में 4686 से 8161 तक गई और SCGL कैटेगरी में 10298 से रैंक ओपनिंग शुरू हुआ और 13302 तक के रैंक के बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ मिला है। तो अगर आपके भी रैंक इन रैंक के बीच में आते हैं अलग अलग कैटेगरी में तो आपको भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक में IIT लखनऊ में मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि बीटेक में है। तो इसमें भी हम सीट्स देख लें तो ओपी नो में 21 हैं, OPGL में 6, BC नो में 11, BCGL में 3, SC नो में 9 और SCGL में 3। तो नॉर्मली आप सीटें देखेंगे बीटेक में तो सेम नियरली ऐसे ही कुछ डिवाइड हुए हैं हर कोर्सेज में। तो ओपी नो में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी EC के लिए वो 379 से ओपन हुआ और 1392 तक के बच्चों को कॉलेज मिला है। वहाँ पे OPGL में हम देखें तो 1114 से लेके 1814 तक के बीच के बच्चों को IIT लखनऊ मिल गया। वहीं पे BC नो कैटेगरी में ECE जो है 1277 से 2075 तक के बच्चों को मिला है। वहीं BCGL कैटेगरी में 1894 से लेके 3369 तक के बच्चों को ECE ब्रांच मिला IIT लखनऊ में। SC नो की कैटेगरी में देखा जाए तो 4985 रैंक से लेके 8736 रैंक तक के बच्चों को ECE मिला IIT लखनऊ में। और वहीं SCGL में 8785 से लेकर 1447 तक के बच्चों को ECE ब्रांच IIT लखनऊ मिल गया। अब देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या ट्रेंड रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेम सीटें वही हैं, हम सीधे रैंक पे चलते हैं। तो OP नौ में आप देखेंगे तो ओपनिंग रैंक हुआ 557 से लेकर 1728 तक के रैंक के बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। वहीं पर OPGL की रैंक की बात करें तो 1510 रैंक से स्टार्ट हुआ 3283 तक के बीच के रैंक बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ में मिला। वहीं पर BC नौ में 1618 से स्टार्ट हुआ 2736 तक के रैंक के बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ मिला। BCGL में बात करें तो 3911 से स्टार्ट हुआ और 6905 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ में मिला है। और SC नौ में 2744 से शुरू हुआ ओपनिंग रैंक और 8288 तक क्लोज हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों राउंड में मिला के। और वहीं पे SCGL के लिए 7096 से शुरू हुआ और 11680 रैंक तक के बच्चों को भी SCGL के कोटा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ मिल गया। अब हम देख लें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT जो कि मोस्ट डिमांडेड होता है, तो यहाँ पे सीटें वही हैं OP नौ के लिए 21, OPGL के लिए 6, BC नौ के लिए 11, BCGL के लिए 3, SC नौ के लिए 9 और SCGL के लिए 3। तो OP नौ में हम देखें तो 516 से स्टार्ट हुआ है 1226 तक के रैंक के बच्चों को IIT बीटेक IIT लखनऊ मिल गया। OPGL के रैंक में बात करें तो 915 जिनकी जनरल रैंक थी OPGL कैटेगरी में और 1510 जनरल रैंकिंग थी जिनकी OPGL में, उनको तक के बच्चों को IIT ब्रांच IIT लखनऊ में मिला। इस तरह से BC नौ की बात करें तो BC नौ की कैटेगरी में 1033 से स्टार्ट हुआ ओपनिंग रैंक और 1673 तक के बच्चों को IIT ब्रांच मिलने का चांस हुआ। उसी तरह से BCGL में 2032 से स्टार्ट हुआ है ओपनिंग रैंक और 2054 तक क्लोजिंग रैंक हुआ है। SC नौ में 4888 तक के बच्चों से शुरू हुआ और 10205 रैंक वाले बच्चों तक को IIT लखनऊ में मिला। इसी तरह SCGL का देख लें तो 10298 से लेकर 14322 तक के बीच के बच्चों को IIT लखनऊ IIT ब्रांच मिल गया। इस तरह से हम CSE ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की देखें तो सीटें हैं तो OP नौ की 20, OPGL की 6, BC नौ की 11, BCGL की 3, SC नौ की 8 और SCGL के 2। तो OP नौ का जो क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक था वो 58, यानी कि आप देखें तो 58 बहुत ही हाईएस्ट रैंक वाला और क्लोजिंग रैंक 728, यानी 58 से लेकर 728 तक के बच्चों को CS ब्रांच मिला IIT लखनऊ में। OPGL में देखें तो जिनकी रैंक 185 से लेकर 1082 तक के बीच में थी OPGL कैटेगरी में आते थे उनको IIT में CSE ब्रांच मिल गया। BC नौ की कैटेगरी में देखें तो जिनकी जनरल रैंक 562 से 1250 थी उन 1250 के बीच में थी उनको CSE ब्रांच मिल गया IIT लखनऊ में। BCGL की बात करें तो 920 से लेकर 1894 तक के रैंक वाले बच्चों को CS ब्रांच मिला। SC नौ में 2361 से लेकर 5704 के बीच के बच्चों को CS ब्रांच मिला IIT लखनऊ। और वहीं पे SCGL में
4315 से लेके 4315 यानी कि एक ही रैंक वाले को सीएस ब्रांच मिला आईआईटी लखनऊ में। तो ये पूरा डेटा था आईआईटी लखनऊ का पिछली बार का, जिसके बेसिस पर आप ये जज कर सकते हैं कि हाँ क्या आपके चांसेस हैं आईआईटी लखनऊ मिलने के या नहीं। ये सारा डेटा यूपीसी 2018 का था, जो कि upc.nic.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब देख लेते हैं कि क्या होता है, कि क्यों बीच में रैंक इतना गैप। तो सर सीटें तो सिर्फ 3 ही हैं, 9 हैं या 11 हैं, लेकिन आप रैंक तो 1 से लेके 1000 तक बताए, तो 1 से 1000 को सबको थोड़ी मिल गया। तो रीज़न कुछ और होते हैं। पहला रीज़न कि बीच के बच्चे जो होते हैं, हो सकते हैं कि ब्रांच अलग अलग चूज़ करें, इस वजह से वो डाइवर्स हो जाते हैं, तो आप रैंक जो है आगे तक जाती है। इसी तरह से और भी रीज़न है कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन जैसे IIMs वगैरह में चले गए और वहाँ पर एडमिशन ले लिया, तो उनकी रैंक जो है वो खाली हो जाती है, तो रैंक वहाँ पे अपडेट। वहीं पे दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ना लेके एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर लेते, क्योंकि उनको फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर नहीं करते, वो अच्छे इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट या एजुकेशन अच्छे से मिल जाए। वहीं पर तीसरा रीज़न होता है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फेल हो गए, मतलब कि आप UPSC का एग्ज़ाम दिए, UPSC में अच्छे रैंक आए, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही पास नहीं कर पाए, तो किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो उसकी वजह से आप UPSC भी काउंसलिंग नहीं बढ़ सकते और आपकी रैंक खाली हो जाएगी। वहीं पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जैसे OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, फिर आर्म्ड फोर्स डिपेंडेंट हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो उससे आपको उसकी वजह से भी आपको कोटा का फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो वो रैंक भी आपकी कहीं ना कहीं खाली रह जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने काउंसलिंग ही मिस कर दी, तो ऐसे में भी आपकी रैंक खाली हो जाएगी, तो वहाँ पे किसी और रैंक वाले बच्चे को चांस मिल जाता है। तो ये कुछ रीज़न थे कि क्यों 10 सीटों पे एक से एक एक जो है ओपनिंग रैंक एक है तो क्लोजिंग रैंक 1010 है, तो मतलब कि ऐसा क्यों होता है, ये कुछ उसके लिए रीज़न था। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल या नेक्स्ट हम फिर जो है KNIT के ऊपर ले आएंगे कि KNIT में किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को कॉलेज पिछली बार मिला था, उसके बेसिस पर आप अपने चांसेस देख सकते हैं कि इस बार किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को KNIT मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।